गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में, जिसके तरफ से जो इसका फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम जो है, इसका इंटरव्यू डेट आउट हो चुका है 2019 का। तो इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। तो फ्रेंड्स, HDFC बैंक का जो फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम है, इसका रजिस्ट्रेशन अभी भी चालू है, अभी भी इसको आप अप्लाई कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस ऐड बटन पे दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। ओके, कैसे क्या अप्लाई करना है, क्या क्या इसका प्रोसीजर है, क्या आपका सैलरी वैलरी, सारी चीज़ें उसमें मैंने डिस्क्लोज कर दिया है। ओके, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के एंड में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को इस तरीके का मेल आ गया होगा जिनका भी इंटरव्यू होगा। तो आपका डेट जो इंटरव्यू का 13 अगस्त 2019, 14 अगस्त 2019, काफ़ी लोगों का मैंने मेल में देखा है। ओके, तो 13 अगस्त 2019 और 14 अगस्त 2019 ही आपका इंटरव्यू का डेट है HDFC बैंक का जो फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम है। ओके, इसके पहले भी इंटरव्यू हो चुका है काफ़ी लोगों का, और काफ़ी लोगों को इसका मेल अभी आना बाकी है। ओके, तो आप वेट करिएगा अपने मेल का, या आप उनको कॉल कर सकते हो, उनको मेल भी कर सकते हो अपने इंटरव्यू के शेड्यूल के रिगार्डिंग। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आऊँगा। तो इंटरव्यू के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए मैं आपको बताऊँगा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसे प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए, सबसे पहले बात करते हैं, इसका इंटरव्यू जो है काफ़ी आसान होता है, काफ़ी आसान होता है। काफ़ी लोगों ने मुझे बताया मेल करके, जिनका भी इंटरव्यू उसके पहले था, उन्होंने बताया कि इसका इंटरव्यू बहुत ही आसान होता है, कोई भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता है। ओके, जैसे कि कोई हाई लेवल बैंकिंग का क्वेश्चन हो गया, फाइनेंस का क्वेश्चन हो गया, या कोई सेल्स का क्वेश्चन हो गया, आपसे ये सब सारी चीज़ें नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपसे बेसिक बेसिक सवाल पूछा जाएगा आपके बारे में, और आपके पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, बस इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मेनली। बस आपको अच्छे से अपना कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो आपको बना के रखना है, तो ही इसको आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ओके, बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगा, आप बिना प्रिपरेशन किए भी इसमें इंटरव्यू दे सकते हो। ओके, 10 में से आपसे 2 ही क्वेश्चन बैंकिंग टर्म्स से पूछेंगे, जो कि बेसिक बैंकिंग टर्म्स आपसे पूछा जा सकता है। ओके, जैसे कि लोन क्या है, चेक क्या है, ETC अकाउंट क्या है, या सेल्स क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सेल्स पे बेस्ड है, तो सेल्स से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब काफ़ी लोगों का डाउट था कि ये इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है, तो देखो काफ़ी लोगों ने जो इंटरव्यू दिया है वो इंग्लिश लैंग्वेज में दिया है। ओके, तो आप मेक श्योर करिए कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से आना चाहिए, और आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज में पकड़ अच्छे से बनाइए और इंटरव्यू देके आइए। बहुत ही आसान होता है, आप आसानी से कर लोगे, इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई और पेपर है तो आप उस पर फोकस कर सकते हो बजाय इसके प्रिपरेशन के। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये काफ़ी आसान होता है, कोई भी अच्छे से निकाल सकता है इसको, अगर आपको बोलने का टेक्निक अच्छा है और नॉलेज अच्छा है तो। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। तो काफ़ी लोगों का इसका सिलेक्शन का भी मेल आ गया है कि उनको अभी ज्वाइन करना है। ओके, प्रोग्राम ज्वाइन करना है आपको, 1 ईयर का प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा मणिपाल में। ओके, तो इस तरीके का जो प्रोग्राम है ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं। सारी डिटेल तो मैंने बता दिया प्रीवियस वीडियो में, फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है, कुछ आपको पूछना है, तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, ये फ्यूचर बैंकर्स टीम का नंबर है, इस पे कॉल करके आप सिंपल सा उनसे पूछ सकते हो डिफ़िकल्टी जो भी आपको आ रहा है, या आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी इसमें से आप ले सकते हो, या उनको मेल कर सकते हो futurebankers@hdfcbank.com पे, वो आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई होंगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।